नमस्कार, सक्षम न्यूज नाटक पर आप सभी का स्वागत है। राजस्थान में कांग्रेस का आंतरिक संकट समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जो सीधा निशाना साधा है, वह पार्टी के नए आलाकमान की परेशानी बढ़ाएगा। राजस्थान में चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में तेज हुई उठापटक पंजाब जैसे हालात दर्शा रही है, जहाँ चुनावी वर्ष में कांग्रेस को अपने ही नेताओं की आपसी लड़ाई की वजह से शर्मनाक पराजय का सामना करना पड़ा था। सचिन पायलट ने राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से गुलाम नबी आज़ाद की तारीफ की ओर इशारा करते हुए कहा कि अब जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तारीफ की है, वह एक बड़ा संकेत है जिसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। हम आपको बता दें कि अभी एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ एक कार्यक्रम में मंच साझा किया था। इस दौरान गहलोत ने प्रधानमंत्री की तारीफों के पुल बांधे थे और प्रधानमंत्री ने गहलोत की तारीफ करते हुए उन्हें देश का सबसे वरिष्ठ मुख्यमंत्री बताया था। इसी बात को पकड़ते हुए सचिन पायलट ने गहलोत पर निशाना साध दिया है। प्रधानमंत्री जी ने कल जो बयान दिए, जो बड़ाइयां करी, मैं समझता हूँ बड़ा दिलचस्प एक घटनाक्रम है, क्योंकि इसी प्रकार प्रधानमंत्री जी ने सदन के अंदर गुलाम नबी आज़ाद साहब की बड़ाइयां करी थी और उसके बाद क्या घटनाक्रम पैदा हुआ हम सब ने देखा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट था कल का, जो प्रधानमंत्री जी ने सोते ही बड़ाइयाँ करी हैं, इसको बड़ा मैं इंटरेस्टिंग मानता हूँ और इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। आप सब जानते हैं कि 25 सितंबर को एक CLP की मीटिंग कॉल की गई थी, वो मीटिंग हो नहीं पाई और उसके लिए खुद मुख्यमंत्री जी ने सॉरी फील किया और माफ़ी मांगी पार्टी से भी और हमारी पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी जी से थी। उसके बाद जो ऑब्जर्वर्स यहाँ पर आए थे, माखन जी और खड़गे साहब, उन दोनों ने भी उसको बहुत गंभीरता से लिया और उस सब का संज्ञान लेने के बाद AICC ने इसको एक इनडिसिप्लिन का मामला माना और फिर तीन लोगों को नोटिस दिया गया। नोटिस देने के बाद ये जानकारी में आया है कि उसके जवाब दिए गए हैं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है, अनुशासित पार्टी है और इस पार्टी में सबके लिए रूल्स, नियम, कायदे कानून बराबर होते हैं। तो जो इंडिसिप्लिन अगर किया गया है, उसके जवाब मांगे गए हैं, जवाब दिया गया है, तो उस पर भी शीघ्र निर्णय लिया जाना चाहिए। वो इसलिए कोई व्यक्ति कितना बड़ा हो, लेकिन कानून, डिसिप्लिन, अनुशासन पार्टी का सब पे लागू होता है। तो मुझे विश्वास है कि खड़गे साहब, क्योंकि अभी वो नए नए अध्यक्ष बने हैं, पदभार संभाला है और जल्द इस पर निर्णय लेंगे, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि इंडिसिप्लिन माना गया, नोटिस दिया गया, जवाब मांगा गया और उसके बाद कोई भी निर्णय ना लिया जाए। निर्णय लिया जाएगा और जल्द लिया जाएगा, मैं ऐसा मानता हूँ। और जहाँ तक राजस्थान के संदर्भ में जो निर्णय लेने की बात है, उसका खुद वेणुगोपाल जी, जो हमारे संगठन के महामंत्री हैं AICC के, उन्होंने भी कहा था कि बहुत जल्द इस पर निर्णय लिया जाएगा कि अब भविष्य में क्या करना है। तो मुझे लगता है क्योंकि हम सब चुनाव में लगे हुए हैं हिमाचल में और मैं समझता हूँ किसी भी दिन गुजरात के चुनाव की घोषणा हो जाएगी, तो चुनाव भी हम लोग पूरी तैयारी से लड़ रहे हैं और दोनों राज्यों में सरकार हम लोग बनाएंगे। जहाँ तक अनुशासनहीनता पर कार्रवाई करने की बात है, उसका पूरा संज्ञान वेणुगोपाल जी के, एंटनी साहब के, खड़गे जी के और अजय माकन जी के संज्ञान में है, उस पर जल्द कार्रवाई होगी और राजस्थान में भी जो ये इंडिसिजन का जो माहौल बना हुआ है, उसको भी समाप्त करने का मुझे लगता है समय आ गया। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।